वेज पनीर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पैन के अंदर घी लेना है। घी गर्म हो जाने के बाद हमें पनीर को इसके अंदर ऐड करना है। पनीर को मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया था, इसे हम अब फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लगती है और ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे हम वापस एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने वही कढ़ाई ली है और वो घी भी मैंने उसी में ही रहने दिया है, क्योंकि पनीर फ्राई करती दफ़े घी का बहुत यूज़ नहीं होता है। तो उसी घी के अंदर हम सबसे पहले थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। उसके बाद आधी टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम लहसुन को कद्दूकस कर लिया था, इसे हम ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। जब हमारा लहसुन और अदरक की पेस्ट अच्छे से भून जाती है, उसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गाजर को ऐड करेंगे और गाजर को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि गाजर में थोड़ा वक्त लगता है। इसके लिए हम सबसे पहले गाजर को ऐड करेंगे। हमारी गाजर पकती है तब तक हम इसके अंदर डालेंगे करी लीव्स, 2 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च और थोड़े से डालेंगे हम दालचीनी के टुकड़े। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम पकने देंगे। उसके बाद जब हमारी गाजर अच्छे से पक जाती है, उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इन सभी सब्जियों के अलावा अगर आपके घर पे कोई दूसरी सब्जी हो, जैसे कि कैप्सिकम, बॉईल करी हुई मकाई, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसका मतलब कि हमारी प्याज भी अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, क्योंकि टमाटर में बहुत वक्त नहीं लगता है पकने में, इसके लिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। टमाटर को भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये सभी सब्जियां हमारी जब पक जाती है, उसके बाद हम डालेंगे आधी टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टेबलस्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद नमक हम लेंगे। ये सब्जियों के अनुसार ही हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने बॉईल करते समय चावल में डाल दिया था, इसके लिए हम सब्जी के लिए ही नमक डालेंगे इसके अंदर। तो हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, उसके बाद हमने जो पनीर फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे आधी टेबलस्पून पनीर बिरयानी मसाला। ये मसाला आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। उसके बाद डालेंगे बॉईल करे हुए चावल। ये बॉईल करे हुए चावल मैंने बासमती चावल लिए हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हमें मिक्स करने के लिए हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, जिससे हमारे चावल टूट ना जाए। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब हमारे पुलाव अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश
और थोड़े से डालेंगे हम काजू के टुकड़े। तो हमारे वेज पनीर पुलाव बच्चों के लिए सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।